हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कह रहा था। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 12x+4 हैज़, और इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो f(x) कितना आएगा? 6x² - 6x - 12। सो यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, सो वी हैव x² - x - 2। नाउ इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो बेसिकली इसका फैक्टराइजेशन x-2 और x+1 आएगा। सो x की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ से हमारे पास 0 से इक्वेट करने पे, एक आ रही है 2 और एक आ रही है -1। नाउ डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो f" x कितना आ जाएगा? 12x - 6। नाउ 2 रखने पे f" 2 की वैल्यू, दैट इज 24 - 6 18, विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी इस पर मिनिमम है। और f"-1 रखने पे ये आ रही है -18, विच इज़ लेस देन 0, यानी क्या है? मैक्सिमा। तो इसलिए हम बोलेंगे इसमें एक मैक्सिमा एक मिनिमा है, दैट इज ऑप्शन 3 करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।